फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले पर इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस सदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। तफसीलात जानेंगे अबरार हुसैन अस्तूरी से। अबरार, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर पहली समाअत होने जा रही है। जस्टिस सदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसद हिलाली और जस्टिस इरफान सादत इस बेंच का हिस्सा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ही जो तमाम फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वफाकी जो निगरान हुकूमत थे, इसके अलावा पंजाब के पी और बलोचिस्तान की निगरान हुकूमतों समेत जो वजारत दिफा और वजारत कानून समेत 17 दरख्वास्तें, जो 17 अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं ये, इस पर आज पहली समाअत होने जा रही है, जबकि इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज लहसन ने उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 अक्टूबर को फैसला सुनाया था और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलदम करार दिया था। उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपीलें आई और 184-3 का ये मुकदमा है और जिस बेंच ने इस मुकदमे को सुना था 5 रुकनी एजाज लहसन की सरबराही में, वो बेंच और उसमें से कोई भी जज आज वाले बेंच का हिस्सा नहीं है। 184-3 के मुकदमा में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो अपील का मामला होगा उस पर नया बेंच होगा और नए जजेज होंगे, ये तय था। पार्लियामेंट की जानिब से ये कानून साजी की गई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये नया बेंच होगा। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार जो हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उनकी जानिब से जस्टिस सदार तारिक मसूद जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन पर भी एतराज़ उठाया गया है। उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि पहले ही जस्टिस सदार तारिक मसूद इस हवाले से वो अपना नोट जारी कर चुके हैं, जबकि जब फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से 9 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल के दौर में जब बना तो उस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा और जस्टिस सद्दात तारिक मसूद की जानिब से इस केस को सुनने से माजरत किया गया था और उसके बाद जस्टिस सद्दात तारिक मसूद ने अपने नोट में इस जो मुकदमा है वो पहले हाईकोर्ट में जाने का भी कहा था। तो इन तमाम मामला को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एतराज़ भी उठाया है। देखना यह है कि आज जो 17 दरख्वास्तें हैं उन पर वकला क्या दलाल देते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ज्यादा तौर पर नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप।